नमस्कार आदाब, न्यूज 5 AM जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। जमशेदपुर के बिष्टुपुर पुलिस ने चोरी की गाड़ियों और साइकिल से लेकर चोरी के कई मोबाइल को जब्त करते हुए चोरी के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बिष्टुपुर थाना प्रभारी उमेश कुमार ठाकुर के नेतृत्व में पदाधिकारियों और पुलिस कर्मियों ने छापेमारी की। छापेमारी में पुलिस ने मानगो के हनुमान मंदिर के पास कृष्ण राणा उर्फ शेखर राणा और MGM अस्पताल के पास सीताराम डेरा के यूम पाइप रोड निवासी संजय बाग को गिरफ्तार किया है। उनके पास से चोरी की एक हीरो होंडा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, स्कूटी, 4 साइकिल, 3 मोबाइल बरामद किए हैं। इन लोगों ने पुलिस को बताया कि वे लोग चोरी के मोटरसाइकिल और साइकिल को रखकर बेचने का जुगाड़ कर रहे थे और पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। पुलिस उनके गिरोह के अन्य सदस्यों को भी पकड़ने का प्रयास कर रही है। वहीं एक और चोरी के मामले का उद्भेदन करते हुए बिष्टुपुर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने चोरी के 2 मोबाइल फोन जब्त किए। गिरफ्तार लोगों में एक जुगसलाई थाना क्षेत्र के बलदेव बस्ती का रहने वाला धीरज साहू उर्फ शिव कुमार, जबकि दूसरा रोहित राम उर्फ लाला शामिल है। इस मामले में 4 अप्रैल को मोबाइल चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। ये दोनों लोग बिष्टुपुर बाजार में मोबाइल चुराते समय पकड़े गए थे। उनको लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया, जिनके पास से चोरी के मोबाइल जब्त की गई। किया जाता है, थाना में हुआ हो या